हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विथ लॉजिक रेस एकेडमी। आज का टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग। अगर हम करते हैं तो उसका बेस क्या रहेगा, मीन्स किस बेस पे हम डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, राइट? उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है ताकि हम उस पर डिजिटल मार्केटिंग कर सकें, राइट? सो लेट्स बिगिन। तो डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपको एक टूल्स मीन्स प्लान टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। दैट मीन्स कि आपको क्या क्या चाहिए उसका एक प्लानिंग करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिस्ट आउट किए हुए हैं, वो देखते हैं। फर्स्ट है वेबसाइट, राइट? विदाउट वेबसाइट आप डिजिटल मार्केटिंग कर ही नहीं सकते। दैट मीन्स कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है, ठीक है, आपकी आपका जो बिजनेस है उसको प्रमोट करना है, तो उसके लिए आपको उसकी वेबसाइट बनाना ज़रूरी है, ठीक है। वेबसाइट का डोमेन नेम आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड उसके ऊपर आपको वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ेगी। डोमेन नेम लाइक हमारा जो कंपनी है, कंपनी का नाम है लाइक लॉजिक रेस एकेडमी, तो वो हमारा डोमेन नेम हुआ, राइट? तो सेम वे आप भी आपकी वेबसाइट के लिए कोई डोमेन नेम चूज कर सकते हो, राइट? देन आफ्टर वेब होस्टिंग, जब भी आपकी वेबसाइट क्रिएट हो जाए, देन आफ्टर आपको आपको आपकी साइट को होस्ट करवानी पड़ती है, राइट? दैट मीन्स कि आप गूगल पे जो भी सर्च करते हो, राइट, तो वो सर्चिंग के लिए कैसे आता है, वहां पे हमने होस्ट करवाया हुआ है, ठीक है। गूगल है, याहू है, ये सारे सर्च इंजिन है, तो उसको उसके ऊपर हमें होस्ट करवानी पड़ती है हमारी वेबसाइट। तो होस्टिंग के लिए गोडेडी है, AWS है, ब्लू होस्ट है, ये सारी जगह पे जाके आप आपकी वेबसाइट को वेब होस्टिंग करवा सकते हो, राइट? देन आफ्टर आपको वेबसाइट जो बनी हुई है वो वेबसाइट का फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। जब भी आप कोई वेबसाइट पे डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो फ्रंट एंड दैट मीन्स के कौन सी लैंग्वेज यूज की हुई है उसके अंदर। अगर लैंग्वेज नहीं है तो सिर्फ बेसिक HTML CSS से यूज किया हुआ है कि नहीं, दैट मीन्स कि ये फ्रंट एंड किसके बेस पे है वो आपको पता होना चाहिए। एंड देन बैक एंड के अंदर भी क्या यूज किया हुआ है, ठीक है, Node.js यूज किया हुआ है, डेटाबेस कौन सा यूज किया हुआ है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए। देन आफ्टर है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज दैट मीन्स कि कोई भी बंदा या कोई भी पर्सन गूगल पे सर्च करता है एंड देन आपकी जो वेबसाइट ओपन होती है, जो फर्स्ट पेज होता है, उसको लैंडिंग पेज बोला जाता है, राइट? तो वो लैंडिंग पेज पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। SEO को ध्यान में रखते हुए हमें लैंडिंग पेज क्रिएट करना है। लैंडिंग पेज क्या, पूरी वेबसाइट को बनाने के लिए हमें SEO सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन, राइट, उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। उसका जो टू डू लिस्ट है वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। देन आफ्टर थैंक यू पेज एंड कॉल टू एक्शन, ये दोनों चीज भी ऐसे है जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती है कि डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, तो उसको किस तरीके से हम प्रमोट करें, राइट। तो हर एक पॉइंट डीप में किस तरीके से वर्क करता है वो हम देखते हैं। सो अवर फर्स्ट पॉइंट इज वेबसाइट, राइट। वेबसाइट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, राइट। कि लाइक आपकी ऑफलाइन प्रोडक्ट है या तो फिर ऑफलाइन कोई शॉप है, आप कुछ बेच रहे हो, राइट, तो उसके लिए आपको मार्केटिंग अगर ऑनलाइन करवानी है तो बेस्ट ऑप्शन है सबसे पहले क्रिएट करवाओ वेबसाइट, राइट। और वेबसाइट की क्रिएट करवाने के बाद आप उस पर डिजिटल मार्केटिंग करवा सकते हो, राइट। सो द गोल ऑफ द वेबसाइट इज टू क्रिएट एन इम्प्रेशन इन द आईज ऑफ द कस्टमर एज द साइट इज द गेटवे इन टू योर कंपनी, राइट। सी आपने लाइक मैंने जो एग्जाम्पल दिया कि आपकी कोई शू शॉप है, राइट, तो शू शॉप आपकी ऑफलाइन है। अगर आपको आपके शूज है जो ऑनलाइन भी बेचने हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले वेबसाइट क्रिएट करवानी पड़ती है, ठीक है। वेबसाइट क्रिएट करवाने के बाद और भी बहुत कुछ करवाना पड़ता है ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए, लेकिन सबसे पहला ऑप्शन है वेबसाइट क्रिएट करवाना। वेबसाइट से एक इम्प्रेशन होती है कि लाइक कस्टमर जो भी है वो कस्टमर सबसे पहले आजकल के ज़माने में सबसे पहले उनको अगर ऑनलाइन कुछ परचेज करना होता है तो वो सिर्फ क्या करते हैं, गूगल पे जाके वेबसाइट सर्च करते हैं, नथिंग एल्स, राइट। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको एक वेबसाइट क्रिएट करवाना, राइट। इट विल एनेबल यू टू ब्रांड योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, राइट, कि आपकी जो प्रोडक्ट है, आप जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हो तो उसको एक ब्रांड मिलेगा। ब्रांड आपका एनेबल होगा कि आपकी जो सर्विस एंड जो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, वेबसाइट के थ्रू आप उसका मार्केटिंग करोगे। सेकेंड वन इज डोमेन नेम सिलेक्शन।
दैट मीन्स यू कैन हैव योर कंपनी नेम फॉर योर मार्केटिंग मटीरियल्स एंड विजिटर कार्ड्स, बट फॉर बेटर सर्च रैंकिंग्स यू कैन फाइंड अ डोमेन नेम दैट हैज योर कीवर्ड्स इन द डोमेन नेम, राइट? फॉर एग्जाम्पल, लाइक हमने जो सूप वाला एग्जाम्पल देखा, राइट, कि आपके पास आपका सूस का सूप है, राइट, उसके लिए आपने ऑलरेडी नाम भी रखा है, राइट, उसका विजिटिंग कार्ड भी छपवाया हुआ है, मार्केटिंग मटेरियल्स भी आपने छपवाए हुए हैं, राइट. बट अगर आप कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो तो वेबसाइट के लिए आपको एक डोमेन नेम भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, डोमेन नेम एक परचेज करना पड़ेगा, राइट. रिगार्डिंग योर ब्रांड नेम, रिगार्डिंग योर बिजनेस नेम, रिगार्डिंग योर सर्विस नेम, राइट, उसके अंदर जो आप कीवर्ड यूज करते हो वो कीवर्ड का यूज करके आपको एक डोमेन नेम परचेज करना पड़ता है, राइट. इन केस योर डोमेन नेम डजंट हैव कीवर्ड्स इन योर कंपनी नेम, देन यू कैन टेक टू डोमेन्स, राइट. सी के फॉर एग्जाम्पल, आपने जो सूस की आपकी जो कंपनी है, सूस का जो शॉप है आपका, राइट, तो आपने उसका ना एक xyz.com रखा है, सॉरी xyz शू शॉप रखा है, राइट. तो आपको वो xyz अगर डोमेन नेम अवेलेबल नहीं है, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, दो डोमेन नेम परचेज कर सकते हो. दैट मीन्स किस तरह से, देखो यहाँ पे कि यू कैन टेक टू डोमेन्स, वन विथ योर कंपनी नेम एंड अनदर विथ योर कीवर्ड. सो आई सजेस्ट इफ योर होटल इज नेम एमरलैंड होटल, यू कैन डू MLA.com एंड हैव इट रिडायरेक्ट टू द www.mumbaihotels.com, द कीवर्ड फ्रेंडली नेम दैट वी सिलेक्टेड, राइट. कि जो मैं जैसे भी मैंने एग्जाम्पल दिया, सेम वो एग्जाम्पल यहाँ पे है कि लाइक ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग दैट मीन्स शू शॉपिंग, राइट. तो पर्टिकुलर आपका नाम है xyz.com और आप उसको रिडायरेक्ट करवा दो कि ऑनलाइन शू शॉपिंग, राइट, ऑनलाइन शू shopping.com पे भी आप करवा सकते हो. दिस चॉइस इज योर्स, राइट. आप कोई भी नाम ले सकते हो बट डोमेन नेम सिलेक्ट करना जरूरी है, राइट. तो आपकी आपकी कंपनी जो भी बिजनेस प्रोवाइड करती है, जो भी सर्विस प्रोवाइड करती है, जो भी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, राइट, उसके रिगार्डिंग आपको एक डोमेन नेम भी सिलेक्ट करना पड़ेगा. So the next point is building the site, right? So now that you have a domain name, you can start thinking about your website. एक बार आपने domain name choose कर लिया है, purchase कर लिया है, तो आपको आपकी site create करवानी पड़ेगी. अगर already है then not an issue, right? But अगर नहीं है तो ready-made website companies भी है जिसके through आप आपकी website खुद से बना सकते हो. यहाँ पे मैंने दो example दिए, wix.com and wordpress, दोनों के अंदर आप easily website create कर सकते हो. Just put your content, just put your images, just put your services and you can get a website, right? So build your site yourself. आप खुद से अपनी site भी create कर सकते हो, right? And another important point to remember is that most of the users are now surfing the web on a mobile or tablet, having a site that is responsive, right? अगर आप कोई भी website create कर रहे हो, then you must have to select responsive, right? क्योंकि आजकल आपको पता है ज्यादातर लोग मोबाइल एंड टैबलेट का ही यूज करते हैं, राइट, क्योंकि उससे सब कुछ हो जाता है. तो आपकी साइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, विच मीन्स इट विल रिसाइज इटसेल्फ व्हेन इट सीज अ स्मॉलर स्क्रीन, इट मस्ट हैव, राइट. ये आज के जमाने में बहुत ही जरूरी है कि अगर आप जो भी वेबसाइट है, आपने जो वेबसाइट बनाई है वो मोबाइल में ओपन करो, चाहे टैबलेट में ओपन करो या लैपटॉप में ओपन करो, कहीं भी ओपन करो, वो प्रॉपर दिखनी चाहिए, दैट इज रिस्पॉन्सिव, राइट. तो वेबसाइट ऐसे बिल्ड करो कि कोई भी यूजर, कोई भी बंदा, कोई भी जगह, कोई भी डेस्कटॉप का यूज करके वो ओपन करे तो उसको प्रॉपर वेबसाइट मिले. अब आपको वेबसाइट बिल्ड करने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी वो यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किया हुआ है. लाइक फर्स्ट है पुट लाइव चैट फंक्शन, राइट. कि अगर डिजिटल मार्केटिंग के आई से देखें तो लाइव चैट फंक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, राइट. उससे आप कस्टमर को अपनी ओर खींच सकते हैं, राइट. जस्ट बिफोर द चैट विंडो यू कैन हैव अ स्मॉल विंडो दैट वुड आस्क देयर नेम, ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, राइट. कि अगर हम वेबसाइट के अंदर लाइव चैट फंक्शन या तो फिर कोई ऐसा कॉन्टेक्ट फॉर्म रखते हैं जहाँ पे हम उसका मीन्स पर्टिकुलर कस्टमर का मेल आईडी, नेम एंड मोबाइल नंबर गेट कर सकते हैं, राइट. अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर वेबसाइट इज द लोड टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम, सॉरी. सो कि आपका जो वेबसाइट है
वो लोड नहीं लेना होना चाहिए, राइट? कि अगर आप कोई भी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, उसके अंदर इमेजेस या वीडियोस रख रहे हो, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट उस वीडियो या उस इमेज से लोड ना ले, ठीक है? ये ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में। सो दिस इम्पैक्ट बोथ द यूजर एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो गूगल रैंकिंग्स। अ स्लो साइट क्रिएट्स अ बैड एक्सपीरियंस इन द आई ऑफ द कस्टमर एंड हैंस गूगल ऑल्सो रेट्स योर साइट पुअरली, राइट? कि अगर आपकी वेबसाइट लोड ले रही है, दैट मीन्स कि ओपन करने में टाइम लग रहा है, तो कस्टमर है जो भी यूजर है वो भी लीव कर देगा आपकी साइट को। मीन्स लाइक हमारे जैसा यही बोलेगा कि छोटा यार दूसरी वेबसाइट है ही ना, हम क्यों ये ओपन कर रहे हैं, राइट? ये अगर आपकी वेबसाइट टाइम ले रही है तो। एंड सेकेंड थिंग कि सर्च इंजिन, कोई भी सर्च इंजिन में आपने डाला होगा तो उसकी उसकी जगह वो सर्च इंजिन में आपकी वेबसाइट का जो रेट है वो भी पुअर हो जाएगा, ठीक है? मीन्स रैंकिंग में आपकी साइट नहीं आएगी। दैट मीन्स कि अगर आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, तो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप की वेबसाइट के अंदर जो भी आप रख रहे हो, वे इमेजेस, कंटेंट, वीडियोस, वॉट एवर, तो उसकी वजह से आपकी साइट लोड ना ले। मीन्स जैसे ही कोई बंदा ओपन करे और तुरंत आपकी वेबसाइट ओपन हो जानी चाहिए। सेकेंड थिंग कि लाइव चैट फंक्शन आपको रखना होगा। एंड थर्ड थिंग कि आपको कोई ऐसा कॉन्टेक्ट फॉर्म रखना होगा जहाँ से आप पर्टिकुलर यूजर, पर्टिकुलर कस्टमर का मेल आईडी या नंबर या नेम गेट कर सको, उससे भी आप कस्टमर अपनी ओर खींच सकते हो। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि अगर आपको फिक्स थ्रू वेबसाइट वेबसाइट क्रिएट करनी है, कि एक वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ पे जाके आप खुद की अपनी खुद से वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? तो wix.com ऑनलाइन जाना, आप वहाँ पे जाके आपका जो भी बिजनेस बिजनेस के रिलेटेड आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो वहाँ से, ठीक है? तो यहाँ पे जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, यू कैन चूज योर सेल्फ। देन आफ्टर है वेब होस्टिंग। जैसे मैंने बताया था कि आप आपकी वेबसाइट को ऑनलाइन प्रमोट करने के लिए, ठीक है, ऑनलाइन कोई भी सर्च इंजिन में दिखाने के लिए आपको एक होस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि होस्टिंग में जाके आपका एक डोमेन नेम परचेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेब होस्टिंग की लिस्ट मैंने दी हुई है कि गोडेडी, AWS, ब्लूएस्ट और भी बहुत सारे, को जो भी JOP होस्टिंग अच्छा लगे वहाँ पे जाके आप आपकी वेबसाइट ऑनलाइन करवा सकते हो। सो गूगल हैज स्टार्टेड रैंकिंग साइट बेस्ड ऑन द पेज स्पीड एंड लोड टाइम्स, राइट? बेस्ड ऑन योर वेबसाइट लोड टाइम, बेस्ड ऑन योर पेज स्पीड, मीन्स आपकी वेबसाइट का हर एक पेज रन करने में, मीन्स लोड होने में कितना टाइम लेता है, उस बेस पे गूगल रैंकिंग करता है, राइट? इफ योर साइट डजंट लोड क्विकली, यू कैन किक योर रैंकिंग एज गुड बाय, राइट? अगर आपका जो पेज है बहुत लेट लोड ले रहा है, ठीक है, तुरंत से ओपन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स गूगल आपकी वेबसाइट को रैंकिंग नहीं करेगा, वो गुड बाय कर देगा, ठीक है? नेक्स्ट है वेबसाइट, राइट? वेबसाइट हैज टू पार्ट। जैसे मैं बताया था कि आप कोई भी वेबसाइट ले लो, वेबसाइट के दो पार्ट होते हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड, राइट? द फ्रंट एंड विच द विजिटर सीज, दैट मीन्स कि आपके कस्टमर, आपके जो यूजर है वो क्या देखेंगे, सिर्फ फ्रंट एंड ही देखेंगे, राइट? एंड द बैक एंड विच द वेबसाइट टेल्स द कंप्यूटर वॉट टू शो इन वॉट फॉर्मेट, विच इज बेसिकली द कोड दैट इज रिटर्न फॉर द वेबसाइट, राइट? एंड द बैक एंड, बैक एंड में क्या होता है कि आपने जो वेबसाइट बनाई है, ठीक है, वो वेबसाइट कंप्यूटर को समझने के लिए, ठीक है, जो भी कोड किया है वो कोड कंप्यूटर को समझने के लिए आपको करना पड़ता है, राइट? तो अ गुड साइट डिजाइन विल एनेबल यू टू कीप द यूजर ऑन योर पेज लॉन्गर, डिक्रीज बाउंस रेट एंड एस्टेब्लिश ट्रस्ट। क्या बोलते हैं कि अगर आपने वेबसाइट अच्छी बनाई है, वेबसाइट ऐसी बनानी चाहिए, उसका डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला बंदा कोई भी हो, कोई भी कस्टमर या कोई भी यूजर हो, तो उसकी आई को अट्रैक्ट होना चाहिए, राइट? फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे भी जाते हो, लाइक कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, राइट? तो वो वेबसाइट ओपन करने के बाद आपकी आईज को अच्छा लगता है तो ही वो वेबसाइट आप देखते हो, अदरवाइज आप क्या करते हो कि वो साइट लीव कर देते हो। देन हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, राइट? तो वो ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं, देन आफ्टर वो वेबसाइट ओपन करते हैं, राइट? तो वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए कि सामने वाला बंदा कोई भी हो, राइट?
सी डिजाइन की वैसे भी कोई गारंटी नहीं होती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे जो पसंद आए वो ही आपको पसंद आए, या वो ही तीसरे बंदे को या अगले बंदे को पसंद आए, राइट। बट डिजाइन अच्छी होनी चाहिए, दैट इज फ्रंट एंड, जो यूजर देखता है, राइट। बैक एंड में तो वैसे भी कोड ही रहता है जो कंप्यूटर को समझने के लिए होता है, तो वो बैक एंड का कोड आप कोई भी यूज कर सकते हो, बट फ्रंट एंड का डिजाइन है वो अच्छा होना चाहिए। नाउ वेबसाइट फ्रंट एंड, वेबसाइट फ्रंट एंड दैट मीन्स कि आप यूजर जो देखते हैं, कस्टमर को जो दिखाना चाहते हैं, तो वो वेबसाइट के पेजेस है, बहुत सारे पेजेस होंगे आपके पास वेबसाइट के अंदर, बहुत सारी लिंक्स होगी, ठीक है। तो वो सारे पेजेस, वो सारे लिंक्स को आपको एक जगह पे लिस्ट आउट करना है, दैट इज योर साइट मैप, राइट। सो क्रिएट अ साइट मैप विच इज अ बेसिकली लिस्टिंग ऑफ ऑल पेजेस दैट यू हैव क्रिएटेड। This sitemap is used to submit to Google, letting them know that these are the number of pages we have created, right? एक इसके लिए होता है कि Google या तो कोई भी सर्च इंजिन के लिए होता है कि उसको पता चले, सर्च इंजिन को पता चले कि आपकी वेबसाइट में कितने पेजेस है, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे लिंक जा रही है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक एग्जांपल लिया है https://www.xml.sitemaps.com, राइट। व्हेन यू एंटर अ डोमेन नेम इट विल क्रिएट बोथ एन HTML एंड XML फाइल विच यू आर एक्सपेक्टेड टू अपलोड ऑन योर रूट फोल्डर, राइट। जब भी आप कोई भी वेबसाइट क्रिएट करते हो, उसके बाद जो डोमेन परचेज करते हो, देन आफ्टर वहां पे दो, एक HTML एंड XML दोनों साइट में जनरेट होते हैं। XML जो होता है वो किसके लिए होता है, वो सर्च इंजिन, कोई भी सर्च इंजिन, गूगल या बिंग, जो भी सर्च इंजिन आप यूज करोगे उसके लिए होता है। एंड HTML साइट मैप होता है वो पर्टिकुलर यूजर के लिए होता है, ठीक है, ताकि यूजर को पता चले कि आपकी वेबसाइट में कितने कितने पेजेस है और कहाँ कहाँ से लिंक ओपन कर सकते हो आप, राइट। तो वेबसाइट फ्रंट एंड के लिए ये डिजिटल मार्केटिंग की थ्रू जरूरी है कि आप एक साइट मैप क्रिएट करो फॉर फ्रंट एंड। देन आफ्टर है वेबसाइट बैक एंड, द URL, टाइटल टैग, मेटा टैग्स आर द फोर इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ अ वेबसाइट बैक एंड दैट अ मार्केटर मस्ट रिमेम्बर, राइट। कि जब भी आप कोई वेबसाइट क्रिएट करते हो तो वो वेबसाइट का URL, वेबसाइट का टाइटल, मेन टाइटल टैग, उसके अंदर मेटा टैग जो SEO के पर्पस के लिए यो होता है, ठीक है। ये चार इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मार्केटिंग करता है उसके लिए, ठीक है, मीन्स जो भी ऑनलाइन मार्केटिंग करेगा, जो भी डिजिटल मार्केटिंग करेगा उसके लिए। एंड थ्रू ऑफ योर डोमेन माइट नॉट हैव ऑल द कीवर्ड्स बट द URL, द पेज नेम कैन हैव द कीवर्ड्स एंड यू शुड यूज इट योर एडवांटेज। देखो यहाँ पे नीचे एक एग्जाम्पल में मैंने शो करवाया है कि टाइटल में यहाँ पे लिया लिखा गया है कि बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस इन 2016, राइट। या नीचे मेटा नेम है या मेटा कीवर्ड्स है, मेटा कंटेंट है, राइट। तो ये सब क्या, ये सारा मार्केटिंग है, राइट। कि पर्टिकुलर आप जो भी ऑनलाइन दिखाते हो, आपकी वेबसाइट के अंदर जो भी प्रोडक्ट है या जो भी आपकी सर्विसेज है, ठीक है, तो उसको प्रमोट करने के लिए, ज्यादा अच्छी तरह से दिखाने के लिए, ज्यादा यूजर तक पहुंचने के लिए हम उसके लिए कंटेंट लिखते हैं। जो भी डिजिटल मार्केटर होगा आपका, जो आपकी वेबसाइट पे डिजिटल मार्केटिंग करेगा, तो वो उसके लिए कंटेंट लिखता है, इसके लिए कीवर्ड बनाता है, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन लिखता है। तो ये वेबसाइट बैकएंड के लिए यूज होता है। देन आफ्टर है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, लाइक द मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट्स वाई कि वहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर जो कस्टमर है, पर्टिकुलर जो यूज़र है, उसको मैसेज छोड़ते हैं कि आपको अगर और भी कोई इंक्वायरीज करनी हो या और भी कुछ कॉन्टेक्ट करना हो तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, राइट। फिर जैसे बहुत सारी जानकारी लेने के लिए, यूज़र के पास से जानकारी लेने के लिए हम वहाँ पे कुछ ना कुछ मैसेज छोड़ते हैं, राइट। दैट इज योर लैंडिंग पेज। द इंपॉर्टेंस ऑफ अ परफेक्ट लैंडिंग पेज, द बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस एंश्योर दैट द लैंडिंग पेज ऑफर्स एन एंगेजिंग एक्सपीरियंस वेयर ही फील्स द यूजर गॉट वॉट ही वॉन्टेड, राइट। जैसे मैंने बताया था कि आप ऐसे मैसेज छोड़ोगे लैंडिंग पेज में कि आपका जो यूजर है, आपका जो कस्टमर है, वो इजिली आपके पास आ सके, राइट। सो लैंडिंग पेज शुड बी डिजाइन इन सच अ वे दैट द यूजर इज एंगेज, यूजर एंगेज हो सके। वंस ही इज एंगेज, गेट हिम टू roam around your website, right? So it's a simple page with only three messages. कोई भी three type के message आप वहाँ पे छोड़ सकते हो आपके landing page में. Like first यहाँ पे जैसे मैंने example दिया है, आप आपकी तरफ से कोई भी message छोड़ सकते हो. Like first example है कि make $35 per hour. Means यहाँ पे जस्ट एक example दिया है कि आप 1 hour के इतने पैसे कमा सकते हो. You just have to contact to our website या contact to our
पर्टिकुलर पर्सन, राइट? सो सेकंड इज अ कॉल टू एक्शन टू फिल द फॉर्म फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन. अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो. जो फॉर्म में आप उनका कस्टमर का नेम मांगोगे, मेल आईडी मांगोगे एंड मोबाइल नंबर मांगोगे, राइट? देन आफ्टर थर्ड टू सी हाउ मच द ड्राइवर कैन मेक बाय जॉइनिंग इट, राइट? कि आप इस तरह कैसे कोई एक तीसरा मैसेज टाइप करो कि वो कैसे आपके पेज को फिलअप करिए, कैसे आपकी सर्विस है वो ज्वाइन कर सके, राइट? दैट डिपेंड्स ऑन यू. तो इस तरीके से बेसिक सिंपल आप लैंडिंग पेज सेट कर सकते हो. यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के लिए एक इमेज रखी हुई है. आप देख सकते हो कि जैसे लैंडिंग पेज जैसे क्रिएट किया हुआ है कि लाइक मेक अप $2.35 पर आवर ड्राइविंग योर कार, राइट? कि आप कार ड्राइव करके कैसे पर आवर के $35 कमा सकते हो. तो उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा. यहाँ पे देखो राइट साइड एक अप्लाई फॉर्म दिया गया है कि जहाँ पे आप से आप कस्टमर की इंफॉर्मेशन ले सकते हो, राइट? एंड लाइक नीचे दिया गया है कि सी हाउ मच यू कैन मेक, राइट? हाउ मच आप पैसे कितने पैसे कमा सकते हो, राइट? तो आप यहाँ से सर्च आउट कर सकते हो. तो इस तरीके से आप एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो. ये आपकी वेबसाइट के लिए बहुत इम्पैक्टफुल थिंग है ये लैंडिंग पेज, राइट? तो इस तरीके से आप एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो कस्टमर को, यूजर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए, राइट? एंड देन आफ्टर क्रिएट अ थैंक यू पेज, राइट? पर्टिकुलर जो भी यूजर या जो भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है, सर्च आउट करता है, कुछ बाय करता है कि नहीं करता है, लेकिन वो आपकी वेबसाइट पे आता है तो थैंक्स देम, एटलीस्ट थैंक्स देम, सेट एक्सपेक्टेशन, रिक्वेस्ट टू फॉलो. आपकी वेबसाइट पे आकर वो या आपकी जो फेसबुक लिंक है या जो कोई भी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन पेज है, वहाँ पे जाके वो कुछ सर्च कर सके, मीन्स वहाँ पे जाके वो शेयर कर सके आपके प्रोडक्ट को जो उन्होंने ऑलरेडी बाय कर रखे या बाय करने वाले हो या उनको जो भी कुछ अच्छा लगा हो, राइट? अदरवाइज आप वहाँ पे शेयर करने का ऑप्शन भी रख सकते हो कि अगर उनको भी कुछ शेयर करना हो आपकी वेबसाइट के अंदर तो वो भी शेयर कर दे. मीन्स थैंक यू पेज कुछ अच्छी तरह से आप क्रिएट कर सकते हो, राइट? एंड द लास्ट पॉइंट इज कॉल टू एक्शन. कॉल टू एक्शन क्या है कि बेसिकली कॉल टू एक्शन मीनिंग लाइक रिक्वेस्टिंग यू टू डू सम एक्शन विच इज अवर केस विल बी टू फिल एन इंक्वायरी फॉर्म और बाय प्रोडक्ट और लाइक अवर पेज और सब्सक्राइब टू अर न्यूज लेटर. पर्टिक्यूलर आप कोई चीज या कोई भी प्रोडक्ट अगर बेच रहे हो या फ्री में भी बेच रहे हो तो उनको क्या करो, आप फ्री में भी बेचने के लिए इफ यू वॉन्ट टू बाय अवर प्रोडक्ट यू हैव टू फिल अवर इंक्वायरी फॉर्म, राइट? ऐसा कॉल टू एक्शन भी आप रख सकते हो या उनको सब्सक्राइब करवा सकते हो, आपका न्यूज लेटर सब्सक्राइब करवा सकते हो कि ताकि कोई भी नई चीज़ आप ऑनलाइन रखो या नई कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करो तो उनके पास मेल जाए या कोई भी मैसेज जाए, राइट? तो इस तरीके से आप कॉल टू एक्शन भी अपनी वेबसाइट के अंदर करवा सकते हो. दैट इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, राइट? सो फ्रेंड्स, फ्रॉम दिस वीडियो आपको पता चल गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, मीन्स उसका बेस क्या होना चाहिए. पर्टिकुलर एक वेबसाइट होनी चाहिए, वेबसाइट के अंदर वो वेबसाइट आपने जो वेबसाइट बनाई हुई है वो वेबसाइट का डोमेन नेम होना चाहिए. डोमेन नेम लेके आप उसको होस्ट करवा सकते हो. देन आफ्टर फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, उसके अंदर आप क्या क्या रखोगे. पर्टिकुलर थैंक यू पेज रखना है, कॉल टू एक्शन रखना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए, मीन्स मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए ये सारी चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए. देन आफ्टर आप डिजिटल मार्केटिंग इजी कर सकते हो. बाकी मैं डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए और भी मैं वीडियोज़ आगे रखूँगी, आप उसको देख के हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइस. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.